गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। मेरा आज जो टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स और उससे संबंधित प्रश्नों पे आज हम चर्चा करेंगे। मैं शुरू करूँ उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जो है कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा पृथ्वी से छोड़ने पर उसकी दशा में क्या परिवर्तन होगा? तो गुब्बारे के आयाम में वृद्धि हो जाती है। हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा जब हम पृथ्वी से छोड़ते हैं तो उसके आयाम में वृद्धि होती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण होता है? तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का कारण बाष्पीकरण की दर में तेजी होना होता है। ये दूसरा प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि कमरे में रखे हुए फ्रिज या रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या होता है? तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है। अगर हम फ्रिज या रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल लें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहते हैं? उसको हम पाइरोमीटर या पूर्ण विकिरण तापमापी कहते हैं, जिससे कि हम 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माप सकते हैं। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट प्रश्न है मेरा कि परम शून्य ताप किसे कहते हैं? परम शून्य ताप से तात्पर्य क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को ही हम परम शून्य ताप कहते हैं या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग स्वचालित वाहनों में हिमरोधी के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है, जब बर्फ़ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बर्फ़ का आयतन घटता है पिघलने पर, जमने पर बढ़ता है। पानी का आयतन बढ़ता है तो जमता है, जब जमने पर बढ़ता है और पिघलने पर घटता है। ठीक है, आगे बढ़ें। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगला, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन। फ़ारेनहाइट में मैं बता चुका हूँ, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उबलते हुए जल की तुलना में, अगला प्रश्न है, भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका कारण क्या है? भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है उबलते हुए जल की तुलना में, इसलिए उससे हाथ जल्दी जलता है। पानी में साधारण नमक मिलाने पर उसका क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, लेकिन हिमांक बिंदु उसका घट जाएगा। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा नमक मिलाने पर। पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट प्रश्न है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट ताप क्रम कितने डिग्री पर एक समान होते हैं? तो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सेम होता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगला प्रश्न, तो शीशे की छड़ भाप में रखने पर उसकी लंबाई बढ़ जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न है, वायु का तापमान बढ़ने से उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायु का तापमान बढ़ने से उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की ऊष्मा धारिता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघ आच्छादित रहते हैं अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है। क्यों गर्म होती है? क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं यह कारण है। अगला है, जब जल जीरो से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब जल का आयतन कैसा रहेगा? जल का आयतन पहले घटता है और फिर बढ़ता है, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक कैसा रहेगा? वो जल का क्वथनांक भी बढ़ेगा दाब बढ़ाने पर। अगला प्रश्न, गर्मी के दिनों में छाता प्रयोग किया जाता है, कैसा छाता प्रयोग किया जाता है? ऊपर से सफ़ेद हो और नीचे से काला हो, इस प्रकार के छाते का उपयोग करना चाहिए गर्मी के दिनों। एयर कंडीशनर किसको नियंत्रित करता है? एयर कंडीशनर आर्द्रता और ताप को नियंत्रित करता है। किसको? कमरे में लगा हुआ एसी आर्द्रता और ताप को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, शुष्क बैटरी में विद्युत अपघटनों का प्रयोग किया जाता है, किन किन विद्युत अपघटनों? अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन के किस सिद्धांत के आधार पर कार्य किया जाता है? तो डेजर्ट कूलन द्वारा बाष्पन के शीतलन सिद्धांत पर कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम मिलता है, हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है, इसलिए पसीने की हमारे शरीर में भूमिका है कि वह गर्म मौसम में हमारे शरीर का ताप नियंत्रित करता है और तेज़ी से बाष्पीकृत होता है, इसीलिए गर्म मौसम में पंखा चलने से हमें आराम मिलता है। आगे, मिट्टी के घड़े में जल ठंडा क्यों रहता है? ये बाष्पीकरण के सिद्धांत के कारण मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। अगला प्रश्न, संवहन के कुछ उपयोग हैं उनको देख लेते हैं। पहला तो विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने में संवहन की उपयोगिता है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म रहता है। तीसरा है, मोटर कार का रेडिएटर भी संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है और रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर भी संवहन सिद्धांत के आधार पर ही ऊपर लगाया जाता है। फ्रिज में जो फ्रीजर है वो संवहन के सिद्धांत के आधार पर ही ऊपर लगाया जाता है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, थर्मस की बोतल में पेय पदार्थ को नियत रखने के लिए उसकी दीवारों पर किसकी परत लगाई जाती है? तो सिल्वर की परत लगाई जाती है, रजत परत लगाई जाती है, क्योंकि उसमें तापमान नियत बना रहे और जो पेय पदार्थ होते हैं वो ज्यों के त्यों बने रहे। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक कैसा रहता है? तो पानी का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, ऊष्मा किसका उदाहरण है? तो ऊष्मा जो है ऊर्जा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऊर्जा का। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरण उत्पन्न होती है? तो एक्स किरण उत्पन्न होती है।
आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर किस पर करती है? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? तो ताप पर निर्भर करती है, केवल ताप। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना क्या कहलाता है? समतापी परिक्रम कहलाता है। आगे बढ़ें। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप प्राप्त करते हैं, निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप प्राप्त करते हैं, ये रुद्धोष्म परिक्रम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रुद्धोष्म परिक्रम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। एक किलो कैलोरी ऊष्मा किसके बराबर होती है? ये 4.18 × 10³ जूल के बराबर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न। जल का घनत्व अधिकतम होता है 4°C। कितना होता है? 4°C। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किसकी पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। पानी जमने पर फैलता है, अभी हमने कहा था बर्फ पिघलने पर उसका आयतन घटता है और पानी जमने पर आयतन बढ़ता है। ठोस कपूर से बाष्प बनने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऊष्मा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है किसके द्वारा? तो ऊष्मा तीव्र गति से विकिरण द्वारा स्थानांतरित होती है। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। किसी पदार्थ, अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तित किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न है, एक कृष्णिका उत्सर्जित करती है सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण। किसका विकिरण? सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण। अगला प्रश्न है, एथिल अल्कोहल कितने टेम्परेचर पर जमता है? तो 114°C टेम्परेचर पर जमता है, -114 पर। ठीक है, आगे बढ़ें। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान प्रदर्शित करता है। तारों का रंग तापमान प्रदर्शित करता है। साथियों, ये महत्वपूर्ण वीडियो ऊष्मा गतिकी के विभिन्न प्रश्नों से संबंधित था। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।